Question number 136. Because of virtual memory, the memory can be shared among processes. Virtual memory ऐसा concept है. Virtual memory क्या actual में hard disk का एक part है, इसको हम आगे पढ़ेंगे. Virtual memory actual में real memory नहीं है. Hard disk का एक part है जो आपने रखी हुई है emergency में processes को रखने के लिए. अगर आपकी main memory सारी process को hold नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करते हो, जो process जिस time पे execute हो रही है उन्हीं process को memory के अंदर रखते हो, बाकी सब process को आप virtual memory में रखते हो. तो उससे क्या होगा, degree of multi programming बढ़ गई, प्लस आप मेमोरी जो है वो शेयर कर सकते हो एक से ज्यादा प्रोसेस के साथ में. इसका मतलब क्या है कि एक मेमोरी के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो सकती हैं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन विच अ प्रोसेस इज कॉपीड इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, उसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग. डिमांड पेजिंग का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट आया था डिमांड पेजिंग जब वर्चुअल मेमोरी आई. वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली इंप्लीमेंट की गई है डिमांड पेजिंग के थ्रू ही. डिमांड पेजिंग का मतलब यह है कि आप एक प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करो. पहले क्या था, पहले ये था कि आपके पास में एक हार्ड डिस्क है. लेट्स से दिस इज योर हार्ड डिस्क. ओके, दिस इज अ सिंबल फॉर हार्ड डिस्क एंड देन यू हैव अ मेन मेमोरी. मान लो आपकी जो एक प्रोसेस है हार्ड डिस्क के अंदर, इस प्रोसेस का साइज है लेट्स से 4 MB एंड मेमोरी का साइज है आपका 4 MB. अब क्या होगा, ये प्रोसेस पहले क्या था, पहले आपको पूरी की पूरी प्रोसेस लोड करनी पड़ेगी. वॉन न्यूमैन ने कहा था कि अगर आपको कोई कुछ भी एग्जीक्यूट करना है कंप्यूटर के अंदर तो वो मेमोरी के अंदर होना चाहिए. आपको पूरी पूरी प्रोसेस लोड करनी पड़ेगी मेमोरी के अंदर और मेमोरी फुल हो गई. 4 MB की प्रोसेस थी, वो पूरी पूरी मेमोरी ऑक्यूपाई कर गई. लेकिन अब क्या है, वर्चुअल मेमोरी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर सकते हो एंड मेमोरी को फ्रेम्स में. एंड पेज साइज इक्वल्स टू फ्रेम साइज है. तो आप क्या करोगे, इनिशियली सिर्फ इनिशियली प्रोसेस का कोई भी पेज मेमोरी के अंदर लोड नहीं करोगे. एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे विदाउट कुछ लोड किए. जब भी आपको जो भी पेज रिक्वायर होगा, क्योंकि हमेशा कोई भी प्रोसेस एक साथ सारे के सारे पेजेस एग्जीक्यूट नहीं करेगी. इमेजिन करो आप एक गेम खेल रहे हो और वो गेम 4 GB का है और आपकी रैम भी 4 GB की है, तो आप पूरा का पूरा गेम कभी भी लोड नहीं करते हो मेमोरी के अंदर. जो भी स्टेज गेम के अंदर आप खेल रहे हो मेमोरी के अंदर उस टाइम पे वही है. इसी तरह प्रोसेस कॉन्सेप्ट है. तो आपने क्या किया, प्रोसेस को जो आपकी मेन प्रोसेस थी उसको पेजेस में डिवाइड कर दिया और जो मेन मेमोरी थी उसको आपने फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया और आपने रखा पेज साइज इक्वल्स टू फ्रेम साइज. तो जिस टाइम जो भी पेज चाहिए होगा एग्जीक्यूशन के लिए, आप वो लोड करोगे हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर, ना कि पूरी की पूरी प्रोसेस. ओके, लाइक दिस, ये फ्रेम्स है मेमोरी के और ये आपकी प्रोसेस है यहाँ पर कहीं. तो आप पूरी प्रोसेस लोड नहीं करोगे, प्रोसेस का एक एक पेज लोड करोगे मेमोरी के अंदर लाइक दिस, जो भी जिस टाइम चाहिए होगा. इसीलिए हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी यूज़ करते हैं. अगर कोई पेज ऐसा है जो यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसको हम सिंपली रिप्लेस कर देते हैं. वो डिपेंड करता है कि रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कैसी है, किस बेसिस पर वो रिप्लेस कर रही है. वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या फिर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है या मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है या फिर ऑप्टिमल एल्गोरिथम है. रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बहुत सारी है हमारे पास में. तो डिमांड पेजिंग का मतलब यही है कि जिस टाइम भी डिमांड आए पेज के लिए, उसी टाइम उसको लोड करो हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर. एडवांस में पूरी प्रोसेस लोड नहीं करनी है. यही कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का. क्वेश्चन नंबर 138. द पेजर कंसर्न्स विद द इंडिविजुअल पेज ऑफ ए प्रोसेस एंटायर थ्रेड या फर्स्ट पेज ऑफ ए प्रोसेस. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पेज ऑफ ए प्रोसेस. 139. स्वैप स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. स्वैप स्पेस एक पार्ट है हार्ड डिस्क का जो हम रखते हैं वर्चुअल मेमोरी के लिए सेव. मैंने कहा कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो हार्ड डिस्क का ही पार्ट है, तो इसी से हम वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं स्वैप स्पेस से. आपने देखा होगा आपके हार्ड डिस्क में जब आप देखते हो, तो लेट से आपने 1 TB की हार्ड डिस्क ली तो आपको 900 something GB ही मिलेगा. बाकी स्पेस पूरा स्पेस पूरा 1 TB नहीं मिलता है. एक्चुअली जो बाकी स्पेस बचा हुआ स्पेस है वो आपका इस स्वैप स्पेस के लिए यूज हो रहा है वर्चुअल मेमोरी के लिए. तो स्वैप स्पेस इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी. व्हेन अ प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस अ पेज दैट इज मैप्ड इन एड्रेस स्पेस बट नॉट लोडेड इन फिजिकल मेमोरी देन. अगर आप कोई ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो मेन मेमोरी के अंदर नहीं है, उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट. ओके, तो एक्चुअल में जब आप CPU कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करता है, CPU को अगर कोई भी मेमोरी एक्सेस करना है, तो CPU पहले कैश मेमोरी के अंदर सर्च करता है.
ओके कैश मेमोरी के अंदर, और कैश और सीपीयू के बीच में डेटा जो ट्रांसफर होगा वो वर्ड्स की फॉर्म में होगा। अगर कैश के अंदर डेटा नहीं मिलता तो आप देखते हो मेन मेमोरी के अंदर, ये है आपकी मेन मेमोरी, और मेमोरी और कैश के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होगा। अगर मेन मेमोरी में डेटा नहीं मिला उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। जो डेटा आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो अगर वो मेमोरी के अंदर नहीं मिलता उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। फिर आपको हार्ड डिस्क एक्सेस करनी पड़ती है, फिर फाइनली आप वो डेटा हार्ड डिस्क से उठा के लेके आओगे जो कि स्वैप स्पेस में पड़ा हुआ है, वर्चुअल मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, लाइक दिस ट्रांसफर, ये मेमोरी हायरार्की है। सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स हैं, फिर कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क, तो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट अगर आप जो डेटा सर्च कर रहे हो मेमोरी के अंदर नहीं मिलता। 141 इन फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, व्हेन अ पेज मस्ट बी रिप्लेस्ड, ओल्डेस्ट पेज इज चूजन, न्यूएस्ट पेज इज चूजन, रैंडम पेज इज चूजन, और नन ऑफ दी मेंशनड अबव। ये कह रहा है कि जो पहले आया था वही पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब यही तो है ना। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यह है रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये कह रहा है कि मेमोरी के अंदर जो पेज पहले आया था वो पहले बाहर जाएगा, यानी कि जो सबसे शुरू में आया था ओल्डेस्ट पेज, तो इन दिस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ओल्डेस्ट पेज इज चूजन। 142 विच एल्गोरिथम चूजेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेनेवर द पेज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड। सो ये कह रहा है कि कौन सी एल्गो, कौन सी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वो पेज रिप्लेस करेगी जो बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, जो लॉन्ग विच इज नॉट यूज फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेज रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, वर्चुअल मेमोरी में हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी जो मेन मेमोरी है वो फुल हो गई और नए पेज आ रहे हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या करते हो मेमोरी से पेजेस को रिप्लेस करने की कोशिश करते हो, और वो पेज रिप्लेस करोगे एल्गोरिथम्स के थ्रू। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम है तो मेमोरी के अंदर जो पहले पेज आया था वो फर्स्ट आउट होगा। ठीक है, तो कैश मेमोरी में भी हम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं, जैसे ब्लॉक रिक्वेस्ट रिप्लेसमेंट ETC। तो इस तरह की जो एल्गोरिथम है उसको बोलते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। ओके, जो बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यही डेफिनेशन है लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो यूज नहीं हुआ है। CPU fetches the instruction from memory according to the value of program counter. Okay, CPU क्या करता है, अगर कोई भी लेट से आपके आपके अपने प्रोसेस को लोड किया मेमोरी के अंदर, अब वो प्रोसेस क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, अब वो इंस्ट्रक्शन वन बाय वन CPU एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन किस एड्रेस से CPU इंस्ट्रक्शन उठाएगा वो डिपेंड करेगा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पे। कोई भी जिस किस किस लोकेशन से नया इंस्ट्रक्शन फैच करना है वो प्रोग्राम काउंटर बताएगा, प्रोग्राम काउंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU, हमेशा याद रखना CPU वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है, इसको हम लॉजिकल एड्रेस ही बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस या फिर वर्चुअल एड्रेस, इसीलिए हमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की जरूरत पड़ती है, यानी कि एड्रेस कन्वर्जन की, एड्रेस ट्रांसलेशन की। पेजिंग में आप देखेंगे कि एड्रेस ट्रांसलेशन होगा पेज टेबल के थ्रू, तो जो आपका CPU होगा, CPU हमेशा एक वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा और वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, पेज नंबर एंड ऑफसेट, ये होगा वर्चुअल एड्रेस। फिर फाइनली इस पेज नंबर को लेकर आप पेज टेबल के पास जाओगे और पेज टेबल आपको बताएगा कि ये पेज नंबर मेमोरी के कौन से फ्रेम में है, यहाँ पे फ्रेम नंबर पड़ा हुआ होगा लाइक दिस। ओके, ये है पेज टेबल, यहाँ से फ्रेम नंबर उठाओगे आपको मिल जाएगा F फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट एज इट इज रहेगा, ये जो ऑफसेट यहाँ पे है वो यहाँ पे रहेगा। फिर फाइनली इस एड्रेस के साथ में आप मेन मेमोरी एक्सेस कर सकते हो, ये है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी क्या है, इसको फिजिकल मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी सेम चीज़ है, या रैम। तो फिजिकल मेमोरी फिजिकल एड्रेस समझती है, यह है फिजिकल एड्रेस, इसीलिए आपको वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको हम लॉजिकल एड्रेस ही बोलते हैं जो CPU जनरेट करता है। जब भी आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कोई एड्रेस प्रिंट करते हो, ओके परसेंट यू के थ्रू कोई पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करते हो, तो हमेशा लॉजिकल एड्रेस होगा, उसको कभी फिजिकल एड्रेस मत समझ लेना। तो प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉजिकल एड्रेस ही प्रिंट करते हैं। 145 रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट।
हमारे पास में स्पेशली एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होगी जो एड्रेस कन्वर्जन के लिए होगी, जो फिजिकल वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगी रन टाइम पे। 146 मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेमोरी इज कॉल्ड पेजिंग। पेजिंग के थ्रू आप क्या करते हो, एक प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर देते हो और पेजेस कहाँ रखते हो, हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी में, स्वैप स्पेस जिसे हम बोलते हैं, और जब भी कोई पेज चाहिए होगा उसको मेन मेमोरी में लोड करेंगे। रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी, तो उसको बोलते हैं पेजिंग। 147 द एड्रेस ऑफ ए पेज टेबल इन मेमोरी इज पॉइंटेड बाय पेज टेबल बेस रजिस्टर PTBR। ये एक ऐसा रजिस्टर है जो किसी भी पेज टेबल का बेस एड्रेस होल्ड करता है। प्रोग्राम ऑलवेज डील्स विद लॉजिकल एड्रेसेस, जैसा हमने अभी बात की थी, जब भी आप कोई सी लैंग्वेज में या जावा में किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखोगे, किसी कोई लेट से आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल प्रोग्राम की बात करूँ, लेट से एक प्रोग्राम है मेन, आपने एक वेरिएबल लिया इंट ए, फिर आपने एक नया वेरिएबल लिया पॉइंटर टाइप जो एड्रेस होल्ड करेगा, आपने ए को इनिशियलाइज किया 10 से और बी को इनिशियलाइज किया ए के एड्रेस से, ओके इसका मतलब है एड्रेस ऑफ ए। और फाइनली लेट से आपने प्रिंट किया प्रिंट एफ परसेंट क्यू बी, तो ये प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि लेट से ए वेरिएबल था उसके अंदर क्या है 10, और जो वेरिएबल बी है लेट से इसका एड्रेस है 1000, बी होल्ड कर रहा है ए का एड्रेस 1000 और उसका खुद का भी कुछ एड्रेस होगा, तो जो एड्रेस है 1000 जो ये प्रिंट एफ प्रिंट करेगा, ये एड्रेस एक्चुअल में लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल या फिर वर्चुअल, ओके सो दैट इज लॉजिकल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 149 द पेज टेबल कंटेन्स बेस रजिस्टर ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी पेज ऑफसेट पेज साइज या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो जो पेज टेबल होगी वो एड्रेस होल्ड करेगी कि ये पेज मेमोरी के अंदर कहाँ पर है, ओके पेज टेबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ये है आपकी पेज टेबल, इसके अंदर और एंट्रीज भी हो सकती है लेकिन मैं सिर्फ एक एंट्री अभी अज्यूम कर रहा हूँ, जो मेन एंट्री है वो है आपकी फ्रेम नंबर। तो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होगी पेज टेबल की, याद रखना वो पेज नंबर से होगी, लाइक दिस, जितने आपके पास में पेजेस होंगे उतने ही एंट्रीज होंगी पेज टेबल के अंदर। तो जो एज ए इंडेक्सिंग आप यहाँ पे अगर डालोगे 0, 1, 2, 3, 4, आप पेजेस के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग करोगे, यहाँ पे कुछ डाला होगा फ्रेम नंबर, लेट्स से फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कि पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 3 में है। फ्रेम किससे रिलेटेड है, मेन मेमोरी से, जब फ्रेम की बात करेंगे तो समझ जाना मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, जब पेजेस की बात करेंगे तो समझ जाना वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहे हैं, फिजिकल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी। तो ये कह रहा है कि वर्चुअल पेज नंबर 0 फिजिकल फ्रेम नंबर 3 में है, पेज नंबर 1 मेमोरी के अंदर नहीं है, पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 0 में है, पेज नंबर 3 मेमोरी के अंदर नहीं है, एंड पेज नंबर 4 फ्रेम नंबर 1 में है। तो ये जो फ्रेम नंबर है यहाँ पे एड्रेस होगा, और ये एड्रेस होगा बेस एड्रेस कि कहाँ से मेमोरी के अंदर स्टोर स्टार्ट हो रहा है ये पेज। अगर ये पेज लेट से 4 बाइट का है, पेज या फ्रेम आपका 4 बाइट का है, तो लेट से ये मेन मेमोरी है, यहाँ कहीं पड़ा हुआ है आपका लेट से फ्रेम नंबर 3, पेज नंबर 0 पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 3 के अंदर, ये आपका फ्रेम नंबर 3 और इसका एड्रेस है लेट से 011। तो ये एक्चुअल में बेस एड्रेस है क्योंकि ये 4 बाइट लेगा, तो ये 4 एड्रेसेस लेगा 011 देन 100 देन 101 110 इस से 4 एड्रेस लेगा, लेकिन इसका जो यहाँ पे एड्रेस डला हुआ होगा वो होगा 011, ओके ये बेस एड्रेस है क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 150 व्हाट इज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब है, कॉम्पैक्शन एक टेक्निक है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को बचाने के लिए। कॉम्पैक्शन में हम क्या करते हैं, जो फ्री स्पेस है उसको एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और जो जो ऑक्यूपाइड स्पेस है उसको एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि
हम उस स्पेस को प्रोवाइड कर पाए, उस स्पेस को यूज़ कर पाए। कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि आपके पास मेमोरी के अंदर स्पेस तो है लेकिन इनफ स्पेस नहीं है, कंटिग्यूस लोकेशंस में नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कॉम्पैक्शन का, तो लेट से आपके पास में ये मेमोरी है, उसमें कुछ ऑक्यूपाइड स्पेस है और कुछ फोल्ड है। ये एक स्पेस है 4K, ये है 2KB और ये ऑक्यूपाइड है, ठीक है। लेट से ये आपका 2KB फ्री है और यहाँ पे 4KB ऑक्यूपाइड है। अब एक नई प्रोसेस आई, ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है कि किसी प्रोसेस को असाइंड है, लेट से P0 को असाइंड है, ये स्पेस P1 को असाइंड है। अब एक प्रोसेस P2 आई और उसको 6KB की डिमांड है, 6KB आप दे नहीं सकते हो क्योंकि 6KB अवेलेबल नहीं है कॉन्टिग्यूसली। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 4KB यहाँ दे दिया और 2KB यहाँ दे दिया, लेकिन आपके पास इस मेन मेमोरी के अंदर 6KB है तो अवेलेबल, लेकिन वो कॉन्टिग्यूस नहीं है। तो आप क्या करते हो, कॉम्पैक्शन करते हो। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है कि जो फ्री स्पेस है उसको एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हो। आप क्या करोगे, 2KB ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे, 4KB का फ्री स्पेस यहाँ था, 2KB का ये मिल गया आपको, और जो जो पहले से ऑक्यूपाइड था उनको एक तरफ ले जाओगे, तो 2KB को आप नीचे ले आओगे, तो 2KB ऑक्यूपाइड था वो ऐसे, और 4KB यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। तो ऑक्यूपाइड स्पेस आप एक तरफ ले गए और फ्री स्पेस एक तरफ ले गए, इन दोनों को कॉम्पैक्ट कर दोगे, एक तरफ एक पार्टीशन में कॉम्पैक्ट कर दोगे 6KB के, तो 6KB अब अवेलेबल आपके पास में, आप इसको असाइन कर सकते हो, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। तो दिस, ये जो मैंने अभी बताया कि आपके पास में स्पेस तो अवेलेबल है 6KB लेकिन वो कॉन्टिग्यूस नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आपके पास में स्पेस तो अवेलेबल है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को बचाने के लिए हम कॉम्पैक्शन यूज़ करते हैं, अ टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 151, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस। हमेशा याद रखना हर एक पेज टेबल प्रोसेस वाइज होगी, हर प्रोसेस की एक अलग पेज टेबल होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम मल्टीपल प्रोसेस के लिए सिंगल पेज टेबल रखें। द मेन मेमोरी अकोमोडेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU या फिर यूजर प्रोसेसेस। ओके, मे बी दिस इज समथिंग एल्स, CPU इज ए हार्डवेयर, मेमोरी मेन मेमोरी के अंदर हार्डवेयर तो नहीं हो सकता है। तो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेन मेमोरी के अंदर दो ही चीज़ होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होगा या तो मेमोरी के अपर पार्ट पे या फिर कहीं लोअर पार्ट पे, दोनों में से कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक पार्ट लेगा, बीच में कहीं लेगा, या तो पहले कुछ स्टार्टिंग के एड्रेसेस में स्टोर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के अंदर, या फिर लास्ट के कुछ एड्रेसेस में होगा, और बाकी स्पेस में आपकी यूजर प्रोसेस रन कर रही होती है। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमेशा मेमोरी के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मेमोरी के अंदर नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा होगा। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा कर्नल मोड में रन करेगा और यूजर प्रोसेस जो है वो यूजर स्पेस में या फिर यूजर मोड में। तो आपके मेमोरी के अंदर दो चीज होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर प्रोसेसेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन द लो मेमोरी, इन द हाई मेमोरी, आइदर लो और हाई। जरूरी नहीं कि वो ऊपर की मेमोरीज में ही हो या फिर नीचे की मेमोरीज में ही हो, वो कहीं भी हो सकता है, या तो फिर मैंने जिससे अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, या तो मेमोरी के अपर पार्ट में होगी या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के लोअर पार्ट में कहीं होगा, इन दो में से कहीं भी हो सकता है, आइदर लो और हाई मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 154, द रिलोकेशन रजिस्टर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मोर एड्रेस स्पेस टू प्रोसेस, अ डिफरेंट एड्रेस स्पेस टू प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द एड्रेस ऑफ प्रोसेसेस। सो सी इज द राइट आंसर। सो रिलोकेशन रजिस्टर प्रोटेक्ट कैसे करता है एड्रेस स्पेस को? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका CPU ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, आप इसके लिमिट रजिस्टर का और आपके रिलोकेशन रजिस्टर काम क्या है, तो रिलोकेशन रजिस्टर हेल्प बताएगा। रिलोकेशन रजिस्टर आपका काम करेगा एज ए बेस रजिस्टर, रिलोकेशन रजिस्टर एज ए बेस रजिस्टर काम करेगा और लिमिट रजिस्टर एज ए लास्ट रजिस्टर, या कह सकते हो आपके लास्ट एड्रेस स्पेस जो होगा, जहाँ पे लास्ट एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल लास्ट एड्रेस है FFFF और स्टार्टिंग एड्रेस है 0000, तो इसको बोल सकते हो रिलोकेशन रजिस्टर और ये लिमिट रजिस्टर, जहाँ से एड्रेस स्पेस स्टार्ट हो रहा है। तो CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, आप देखोगे लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर से ज़्यादा तो नहीं है, अगर लिमिट रजिस्टर से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि वो आगे जा रहा है कहीं,
यहाँ पर पॉइंट कर रहा है जो कि वैलिड एड्रेस नहीं है, तो आप कहोगे ट्रैप एड्रेसिंग एरर अगर वो लेस देन नहीं हुआ, लिमिट रजिस्टर से लेस देन होना चाहिए लॉजिकल एड्रेस। अगर लेस देन है तो आप क्या कहोगे, उसमें ऐड करो रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू। फॉर एग्जांपल लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर के अंदर है आपका 400 और सीपीयू ने जनरेट किया लेट्स से 300। ओके तो इसने जनरेट किया 300, 300 इज लेस देन 400 आप चेक करोगे, कंडीशन ट्रू यस। लेट्स से रिलोकेशन रजिस्टर है आपका 1000, तो फाइनल जो फिजिकल एड्रेस आएगा वो आएगा 1000 में ऐड करके लॉजिकल एड्रेस। सो 300 प्लस 1000 मीन्स 1300। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस का मेमोरी प्रोसेस का एड्रेस स्पेस जो है वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। कैसे, लेट्स से प्रोसेस है आपके पास में P1 जो है वो P1 का जो एड्रेस है वो यहाँ से 0000 से 00FF तक है और जो अगली प्रोसेस है उसका एड्रेस यहाँ तक है 00FF लाइक दिस। तो अगर मैं बात करूँ रिलोकेशन रजिस्टर की तो P1 का रिलोकेशन रजिस्टर जो है वो ये है 00FF, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P0 है, लेट से दिस इज P2 एंड दिस इज P3। इस तरह से सब प्रोसेस का अपना अपना एड्रेस स्पेस है। जैसे P0 का एड्रेस स्पेस क्या है 000 से 00FF तक, P1 का एड्रेस स्पेस क्या है 00FF से 0FFF तक। तो इस तरह से इनके कुछ बेस एड्रेस है और कुछ लिमिट रजिस्टर है। तो P1 के लिए जो रिलोकेशन रजिस्टर होगा वो है 00FF यानी कि बेस रजिस्टर, कहाँ से स्टार्ट हो रही है प्रोसेस 00FF से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, लिमिट रजिस्टर की वैल्यू क्या है इस प्रोसेस P1 के लिए, लिमिट रजिस्टर की वैल्यू है 0FFF लाइक दिस। तो अब जब भी कोई प्रोसेस कोई पेज रिक्वेस्ट करेगी तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कहीं ये लिमिट रजिस्टर से ज़्यादा नहीं है। अगर ये लिमिट रजिस्टर से ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे होगा कहीं, यानी कि वो किसी और प्रोसेस का पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको ट्रैप कर दोगे, एड्रेसिंग एरर कर दोगे। इसलिए कह रहे हैं कि जो रिलोकेशन रजिस्टर है वो हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेसेस। एक एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में ना जा पाए उसके लिए हम यूज करते हैं रिलोकेशन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 155, विद रिलोकेशन रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर्स ईच लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी इक्वल टू टू लिमिट रजिस्टर और लेस देन और ग्रेटर देन। अभी जैसे हमने देखा लिमिट रजिस्टर है ये, तो जो आपने एड्रेस जनरेट किया है वो इससे लेस देन होना चाहिए। ओके लेस देन, सो वही ये कह रहा है विद रिलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर्स ईच लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी लेस देन द लिमिट रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 156, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अदर प्रोसेसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड बाय एन ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस बिकॉज दे आर इन डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस, दे आर इन डिफरेंट लॉजिकल एड्रेसेस, दे हैव प्रोटेक्शन एल्गोरिथम, एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज बीइंग चेक्ड अगेंस्ट द रिलोकेशन लिमिट रजिस्टर। से हमने अभी देखा डी, जब भी आप लॉजिकल एड्रेस जनरेट करोगे उसको पहले चेक करोगे लिमिट रजिस्टर एंड रिलोकेशन रजिस्टर के साथ में, कहीं वो किसी और प्रोसेस का पेज तो एक्सेस नहीं कर रहा है, तो वो हम चेक कर सकते हैं इस लॉजिक के थ्रू जो हमने अभी देखा। ये पूरा मेमोरी मैनेजमेंट का एक पार्ट है, इसके थ्रू आप चेक करते हो कि लॉजिकल एड्रेस वैलिड है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 157, व्हेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फिक्स साइज पार्टीशंस ईच पार्टीशन मे कंटेन एग्जैक्टली वन प्रोसेस। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेट्स से ये आपकी मेमोरी है और इसको आपने पार्टीशंस में डिवाइड किया लाइक दिस, लेट्स से अनइक्वल साइज पार्टीशंस हैं, ये है 8 KB का, ये है 6 KB, ये है लेट्स से 7 KB एंड दिस इज 4 KB। तो लेट्स से एक प्रोसेस P1 आई और उसने कहा आई नीड लेट से 3 KB, तो 3 KB आपने असाइन कर दिया लेट से किसी एल्गोरिथम के थ्रू, तीन एल्गोरिथम के थ्रू असाइन कर सकते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट या फिर वर्स्ट फिट। सो लेट से आपने फर्स्ट फिट के थ्रू असाइन किया, तो फर्स्ट फिट में पहला जहाँ भी मिलेगा फ्री वहीं पर डाल दोगे, यानी कि यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका 3 KB तो ऑक्यूपाइड हो गया है लेकिन 5 KB बचा। अब एक नई प्रोसेस आई P2, उसको चाहिए 5 KB। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 5 KB तो यहाँ बचा हुआ है तो इसी के अंदर डाल दें, इससे नुकसान क्या होगा, इससे दो प्रोसेस एक सिंगल पार्टीशन के अंदर आ जाएंगी। ओके तो इससे नुकसान ये होगा कि दोनों प्रोसेस एक दूसरे का डेटा देख सकती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि हर एक पार्टीशन एक प्रोसेस को ही दिया जाएगा, एक से ज़्यादा प्रोसेस को हम पार्टीशन नहीं दे सकते, इसलिए P2 यहाँ आएगा। तो एक पार्टीशन चाहे कितना भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो
एक एक प्रोसेस को ही दिया जाएगा। अगर इस पार्टीशन की देखें तो P1 ने 3 KB ऑक्यूपाई किया है और 5 KB जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। तो एक पार्टीशन एग्जैक्टली वन प्रोसेस को ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 158, इन फिक्स साइज पार्टीशन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज बाउंडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस, द सीपीयू यूटिलाइजेशन, द मेमोरी साइज, ऑल द मेंशनड अबव। तो मैंने अभी बताया कि हर एक पार्टीशन के अंदर एक ही प्रोसेस हो सकती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि कितनी प्रोसेस मेमोरी के अंदर है। अगर मेमोरी के अंदर ज़्यादा प्रोसेस है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा है, अगर मेमोरी के अंदर कम प्रोसेस है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम है। तो प्रोसेस के अंदर मेमोरी के अंदर कितनी प्रोसेस हो सकती है, मेमोरी के अंदर इतनी ही प्रोसेस हो सकती है जितनी उसके अंदर पार्टीशन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक पार्टीशन के अंदर एक ही प्रोसेस हो सकती है। तो जितने पार्टीशन होंगे उतनी मैक्सिमम प्रोसेस हो सकती है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इसलिए कहते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टीशन पर डिपेंड करेगी, बाउंडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस। इन फिक्स साइज पार्टीशंस द नंबर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज बाउंडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस, क्योंकि जितने पार्टीशन होंगे उतनी प्रोसेस हो सकती है मेमोरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 159, द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट आर द स्ट्रेटजीज टू सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम ए क्यू टू पुट इन मेमोरी प्रोसेस टू रन द नेक्स्ट प्रोसेस। ये शेड्यूलर की डेफिनेशन, फ्री होल फ्रॉम ए सेट ऑफ अवेलेबल होल्स, ऑल ऑफ दी मेंशनड अबव। ओके, तो ये कह रहा है कि ये एल्गोरिथम से मैंने अभी बात की थी इनके बारे में, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। तो जब भी कोई प्रोसेस कोई भी मेमोरी के डिमांड करेगी कि मुझे इतनी मेमोरी की जरूरत है, तो आप इनमें से कोई एक एल्गोरिथम अप्लाई करके उसको मेमोरी साइन करोगे। अगर फर्स्ट फिट है तो उसका मतलब ये कि मेमोरी के अंदर जहां भी पहला फ्री होल मिल गया वहीं पर डाल देंगे। बेस्ट फिट का मतलब ये कि वहाँ डालेंगे जहाँ सबसे कम वेस्टेज हो मेमोरी का, जहाँ सबसे कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो। वर्स्ट फिट का मतलब ये कि वहाँ डालेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा वेस्टेज हो मेमोरी का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो। तो ये स्ट्रेटजीज हैं टू सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम ए क्यू टू पुट इन मेमोरी। ये एक्चुअल में डेफिनेशन है किसकी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है कि जो मेमोरीज आपकी जो नई प्रोसेस क्रिएट हुई है उन्हें क्यू में से उठाओ और मेमोरी के अंदर रखो, जो आप क्यू में से उठाओ और मेमोरी के अंदर रखो। तो एक्चुअल में ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये फ्री होल सेलेक्ट करने के लिए हैं, टू सेलेक्ट अ फ्री होल फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल होल्स। वही तो बात है ना, हम कह रहे हैं कि मेरे पास में प्रोसेस है और मेमोरी के अंदर कई सारे होल्स हैं, होल मतलब पार्टीशंस। अब कौन सा होल सेलेक्ट करूँ इस प्रोसेस के लिए, उसके लिए हम ये एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, इन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मेमोरी इज इंटरनल टू ए पार्टीशन एंड इज नॉट बीइंग यूज्ड। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन ये है कि कोई लेट से मेमोरी इज इंटरनल टू ए पार्टीशन दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड। ये मेमोरी है, इसके अंदर पार्टीशन से 4 KB के, लेट से मैं पेजिंग यूज कर रहा हूँ और पेज का साइज है 4 KB, मेमोरी के अंदर लेट से 4 पेजेस हैं। ओके, इस तरह से एक प्रोसेस P1 आई और उसकी डिमांड है 2 KB, तो आपने 2 KB असाइन कर दिया, लेट से फर्स्ट फिट एल्गोरिथम यूज करके 2 KB यहाँ असाइन कर दिया। अब एक पार्टीशन एक ही प्रोसेस को दे सकते हैं, अब इसमें 2 KB जो है वो फ्री बच गया स्पेस। अब ये स्पेस जो है ये वेस्टेज है, क्योंकि ये किसी और प्रोसेस को नहीं दे सकते, जैसे मैंने कहा कि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस हो सकती है। तो इसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जब भी मेमोरी का वेस्टेज होगा विद इन दी पार्टीशन उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मेमोरी का वो पार्ट है, वेस्टेज, फ्रेगमेंटेशन मीन्स वेस्टेज, मेमोरी का वो पार्ट है जो यूज नहीं हुआ है। तो इन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मेमोरी इज इंटरनल टू ए पार्टीशन दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड, सो बी इज द राइट आंसर।